प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को। इस वीडियो के लिए हम लोग कंसंट्रेशन पर डिस्कशन करेंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे व्हाट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो कोई भी सॉल्यूशन अनस्टेबल या स्टेबल तो हो सकता है जब उसके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं या फिर उनकी जो क्वांटिटी है वो उसको हम लोग डिफाइन कर लें। एक्चुअल में कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसमें जो सॉल्यूट है जिसको हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। जब तक कोई भी सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में एबल है देन वो तो अपना हो जाएगा क्या स्टेबल, दैट मीन्स उसको वो डिजॉल्व कर सकता है। बट यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि कंसंट्रेशन जो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे वो रहेगा, इसका मतलब है द क्वांटिटी विच कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सो वी कैन गेट हियर टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हम लोग डिसाइड करें या फिर कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो जब हम लोग हर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर हमें को मिलेगा कि मोलैरिटी, मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन, इस टाइप से आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर अभी जो मिलना है वो सपोज दैट आपको बोलते क्या है, ये सपोज दैट ये एक बीकर है जिसमें आपको एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इस सॉल्यूशन को अगर आप चेक कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर बोलूंगा इस सॉल्यूशन के जो दो पार्ट्स होंगे मेनली वो कौन कौन से होंगे, सॉल्यूट होगा एंड प्लस यहाँ पर और कौन सा होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। सो इस सॉल्यूशन में आप चेक कर पाएंगे कि हाउ मच क्वांटिटी इज इंक्लूडेड इन द सॉल्वेंट देन इट्स बिकम सॉल्यूशन। सो इसी सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहां पर फर्स्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा मास बाय मास कंसंट्रेशन परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। ये मास बाय मास परसेंटेज क्या है, एक्चुअल में सपोज करो कि यहां पर जो आपको मिल जाएगा सॉल्यूट ए प्लस सॉल्वेंट बी गिव्स आउट सॉल्यूशन ए बी। ओके, यहां पर मैंने राइट किया सॉल्यूट एंड प्लस ये क्या है सॉल्वेंट और यहां पर आपको मिल गया है सॉल्यूशन। सो आप चेक कर पाएंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट ए प्लस मास ऑफ सॉल्यूट बी दैट इज इक्वल टू यहां पर मास ऑफ ए बी, ऐसा राइट कर पाएंगे। सो टोटल परसेंटेज निकालेंगे कि हाउ मच क्वांटिटी इज इन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी वो कितना डिजॉल्व है, तो आप इसको मास परसेंटेज आप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप कैसे राइट करेंगे, मास परसेंटेज ये इक्वल टू हो जाएगा, आप इसका मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं। इन केस अगर आप यहां पर सॉल्यूट का ही हम लोग निकालेंगे अपने सिलेबस में, तो अगर वो सॉल्यूट का निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सो ये अभी क्या आ रहा है इनटू 100 करके ये परसेंटेज आ जाएगा। सो यहां से एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कि किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल का जो परसेंटेज है उसको अगर निकालना हो मास परसेंटेज, तो हम लोग राइट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां से आप इसको ये भी राइट कर सकते हैं, ये सॉल्यूट का है जिसका मतलब मास ऑफ ए, तो ए क्या है सॉल्यूट है एंड यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस एम ऑफ ए, ऐसा हम लोगों ने राइट किया एंड यहां पर सॉल्यूशन है तो मास ऑफ ए बी, ऐसा राइट कर सकते हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है इसको कौन सा सिंबल आप देते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर आप चेक कर पाते हैं कि सेकंड जो फॉर्मूला आपको मिलेगा मास बाय वॉल्यूम, अभी मास बाय मास परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर राइट करने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो सेकंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अगर फाइंड आउट करना हो सपोज दैट आप यहां पर लेते हैं
a plus b gives out ab, that is the solution. यहां पर मैंने राइट किया मास ऑफ ए दैट इज द सॉल्यूट, मास ऑफ बी दैट इज सॉल्वेंट, एंड यहां पर हम लोग टोटल मास ऑफ ए बी दैट इज द सॉल्यूशन, एंड यहां पर वॉल्यूम ऑफ ए बी राइट करना है. बिकॉज यहां पर हमने ये बोला कि जैसे ही हम लोगों ने टोटल सॉल्यूशन को फॉर्म किया तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, सो यहां पर वो वॉल्यूम ऑफ ए बी मैंने राइट किया. सो यहां पर अगर हम लोग ये राइट कर रहे हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है इसको हम लोग राइट कैसे करेंगे, मास को किसके रिस्पेक्ट में हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम में. तो मास को आप न्यूमरेटर में रखेंगे, इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन में आपको राइट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, तो ये परसेंटेज आपको मिल जाएगा. सो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है. एंड थर्ड फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज दैट यहां पर मैंने राइट किया थर्ड के लिए ये मास बाय वॉल्यूम था, अभी जो थर्ड है उसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम राइट करेंगे. सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम राइट करने के लिए हम लोग को यहां पर एक न्यू फॉर्मूला मिलेगा और इस न्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको राइट करेंगे. सो यहां पर मैंने राइट किया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो यहां पर मैंने राइट किया कि ये जो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी व्हिच इज सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ ए बी दैट इज सॉल्यूशन. सो यहां से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. बिकॉज हम लोग को जो कंसेंट्रेशन चेक करना होता है वो किसका चेक करना होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का. सो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम किसका लेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल होगा, और टोटल वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन के, अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो इस टाइप से आप चेक कर पाएंगे और इनटू में यहाँ पर 100 कर लेते हैं परसेंटेज में आ जाएगा आंसर. सो इस टाइप से आप किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. सो आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स मिले हैं, मास बाय मास परसेंटेज मिला है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिला है, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिला है. सो हम लोग यहाँ से कंसेंट्रेशन चेक कर सकते हैं और आपकी जो बुक है उससे आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे. आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, थैंक यू.